Hello students, this video is related to the class 7 English literature. Today I will explain you the poem Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over wells and hills. I wandered, main ghoom raha tha lonely, akele as a cloud, ek clouds ki tarah. Means is, main clouds ki tarah ghoom raha tha, akele ghoom raha tha. That floats on high over wells and hill. जैसे कि एक floats, एक float उड़ता हुआ on high over जैसे कि उड़ती हुई on the highs ऊपर की ओर over wells, wells की valleys की या फिर hills में. जैसे मैं उन अकेले उड़ते हुए clouds की तरह घूम रहा था जैसे कि वो उड़ते हों वेल्स घाटियों के ऊपर या फिर हिल्स के ऊपर. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, और अचानक ही, ऑल एट वंस अचानक ही, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक क्राउड देखा. क्राउड इज बेसिकली मीन्स इज द मास और द लॉट ऑफ पीपल, वेयर यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज अ क्राउड. बट हियर द क्राउड मीन्स इज अ बंच, अ लॉट ऑफ. तो अचानक ही, व्हेन ऑल एट वंस, जब मैंने अचानक ही, आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक क्राउड को देखा, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, एक होस्ट था. होस्ट मीन्स इज वेरी बिग ग्रुप, हियर इट्स अ मीनिंग इज अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ अ गोल्डन डैफोडिल, गोल्डन डैफोडिल्स का. बिसाइड द लेक बिनिथ द ट्रीज, जो कहाँ था, बिसाइड द लेक, लेक के बिसाइड में था, एंड बीनीथ द ट्रीज, और ट्रीज के नीचे था, लेक के पीछे था और ट्रीज के नीचे था. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, जो फ्लटरिंग कर रही थी, हिलडुल रही थी और डांस कर रही थी इन द ब्रिज, ब्रिज में हवा में जो फ्लटरिंग कर रही थी और डांसिंग कर रही थी. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और वो कंटिन्यूसली लगातार एज अ स्टार, जैसे कि स्टार शाइन करते हैं एंड ट्विंकल करते हैं एक मिल्की वे में, उस तरह से वो स्टार्स की तरह शाइन कर रही थी और ट्विंकल कर रही थी. दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, वो एक इतने बड़े मार्जिन में, एक वे की, वे मीन्स खाड़ी के, एक बहुत बड़े मार्जिन में बिना ख़त्म होने वाली लाइन की जितना स्ट्रेस थी, मीन्स वो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्ट्रेचिंग दिखाई, स्ट्रेस दिखाई दे रही थी, मीन्स इट वॉज दैट मच स्ट्रेस एट एज वी कांट वी सी द एंड ऑफ दैम. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक 10,000 मैंने एक ही ग्लांस में, एक ही बार में देखे. टॉसिंग देयर हैट्स इन स्प्राइटली डांस, जब वो टॉसिंग कर रही थी, हिला रही थी अपने हैट्स को इन स्प्राइटली डांस, और एक एनर्जी के संग डांस कर रही थी. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली. द वेव्स बिसाइड देम डांस, जो वेव्स थी उसके पीछे डांस कर रही थी, बट दे आउटडिड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, जस बट लेकिन वो आउटडिड, बेकार से ही स्पार्किंग चमक रही थी वेव्स, वो वेव्स चमक रही थी खुशी के साथ. अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकल्ड कंपनी, अ पोइट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकल्ड कंपनी, ये पोइट जो है वो एक साथ बहुत कुड नॉट बी गे, उस पोइट के लिए इससे अच्छा कोई भी दूसरा गे नहीं हो सकता था, फ्रेंड नहीं हो सकता था, इन सच अ जोकर्ड कंपनी, इस एक जोकर्ड, सच अ जोकर्ड कंपनी, एक ऐसा खुशियों से भरा कंपनी उसको दोबारा नहीं मिल सकती थी. आई गेस्ड, मैंने देखा, आई गेस्ड, मैंने देखा और मैं देखता रहा, बट लिटिल थॉट, और थोड़ा सा मैंने सोचा, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, इसके लिए मैं, इसको देखने के लिए मैं क्या
इसको खरीदने के लिए मैं क्या वेल्थ दे सकता हूँ, मैं क्या अमाउंट उसके लिए पेड कर सकता हूँ. मीन्स इज राइट नाउ पोइट जस्ट थिंकिंग कि वॉट ही शुड पे, वॉट ही कुड पे वाइल ही इफ ही वॉन्ट टू बी परचेज दिस वैली, दिस ब्यूटिफुल डेफोडिल्स द और द साइट वॉट शी वॉट ही वॉज सीइंग ऑन दैट टाइम. सो ही कुड वॉन्ट टू पे इट फॉर इट इवन he was unable. For oft when on my couch I lie, for oft jab bhi, often, oft means is often, jab bhi, for oft jab bhi when on my couch I lie, jab bhi main apne couch par, couch means is sofa par lie, leta hu, I in vacant or in pensive mood, jab khali hota hu ya fir pensive mood mein hota hu, chintit mood mein hota hu, tension mein hota hu, दे फ्लैश अपॉन दैट इन्वॉल्व आइज, वो फ्लैश होती रहती हैं अपॉन दैट इन्वॉल्व आइज, मेरी इन्वॉल्व आइज में, मेरी अंदरूनी आँखों में वो फ्लैश होती हैं, विच इज़ द ब्लिस एंड ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे उस लोनलीनेस को एक्सट्रीमली हैप्पीनेस देती हैं, एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फिल, और उस समय मेरा हार्ट प्लेजर्स खुशियों से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल, और डैफोडिल्स के संग डांस करता है. दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विच वाज अ रियली अ ग्रेट पोएट. थैंक यू.